निधि समर्पण महाअभियान को लेकर रविवार को स्वर्णकार धर्मशाला में महिला संगठनों के सामाजिक सद्भाव सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता एवं श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि साध्वी आर्यवर्तिका उज्जैन द्वारा की गई। इस दौरान महंत जितेंद्र दास महाराज, राष्ट्रीय संरक्षक अखिल भारतीय पुजारी महासंघ मंदसौर, अक्षिता यादव दुर्गा वाहिनी उज्जैन आदि मंचासीन थे। मुख्य वक्ता साध्वी आर्यवर्तिका द्वारा महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं लव जिहाद के मामले से अपनी बेटियों को दूर रखें। साथ ही महिलाओं के पहनावे को लेकर भी उन्होंने अपने उद्बोधन में महिलाओं को भारतीय परिवेश में रहने की सलाह दी। साध्वी ने उद्बोधन में कहा कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, साथ ही श्री राम मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता निभाएं। हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि मंदिर निर्माण के इस ऐतिहासिक अवसर की प्रतीक्षा में हमारी लगभग 23 से 24 पीढ़ियां बीत गई हैं और यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है कि हमारे आंखों के सामने ही भव्य एवं दिव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। राम मंदिर भारतीयों के, सनातनियों के, ये समझ लीजिए आपकी उनके स्वाभिमान का ही प्रतीक बन रहा है और इसमें बढ़ चढ़ करके पूरे देश के लोग हिस्सा ले रहे हैं। उसमें छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी लोग, युवा हैं, सभी अपना जो संग्रह कर रखा है उन्होंने जीवन के लिए, उसमें से निधि वो दान दे रहे हैं। और रणनीति तो क्या पूरे देश से ही, राम मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं है और केवल भारत का भी नहीं, ये तो संपूर्ण विश्व के आस्था का केंद्र है राम मंदिर। और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम सभी के प्रेरणा स्त्रोत्र हैं, इसलिए विश्व भर में खुशी है राम मंदिर बनने की। और रणनीति तो सबको पता ही है कि पूरे देश में संग्रह चल रहा है जिससे कि जन जन की भावना जगे, जन जागरण के लिए। मंदिर एक व्यक्ति भी बना सकता है लेकिन जन जागरण के लिए, जागृति के लिए आने वाली पीढ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, इसलिए राम मंदिर का ये कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी शीघ्र पूर्ण होने वाला है। हाँ तो भैया, जब कब तक, अब वो तो बात रही नहीं है कि आपको कि कोई एक गाल पर मारेगा तो दूसरा भी इधर कर देंगे कि भैया इस पर भी मार दिए तो, और ऐसा मारेंगे तो फिर देश का हम कब तक बंटवारा करेंगे, हमारा सनातन धर्म कब तक ऐसे उसका क्षीण होता रहेगा। इसलिए अब हमको आवाज़ उठाना ही चाहिए कि जब जब हमारे ऊपर कोई प्रहार करेगा तो उसको हमें खुले शब्दों में जवाब देना चाहिए। युवा पीढ़ी तो भैया, जब संस्कारों का हनन होगा तो युवा पीढ़ी तो गर्त में जाएगी, इसलिए मैंने संस्कारों की बात की कि पहले तो हमारा आज का आने वाला जो बच्चा है, आगे भविष्य है वो देश का, तो जो युवा बिगड़ गए हैं वो तो बिगड़ ही गए हैं, लेकिन ऐसी जब जागृति होती है ना तो फिर से सुधार भी हो रहा है इसमें, तो युवा भी हमारा सुधरेगा और ये जो बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये भी आगे चल करके राम कृष्ण इनमें से ही बनेंगे सब लोग।